हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अ क्रिसमस कैरल के बारे में, जो कि लिखी है चार्ल्स डिकन ने। स्क्रूज जो होता है बहुत ज़्यादा खड़ूस इंसान होता है, मतलब ही इंसान होता है, एटीट्यूड वाला होता है। और स्क्रूज का एक फ्रेंड होता है जो उसके साथ ऑफिस में काम करता था, जिसका नाम था जेकब मार्ले। जेकब मार्ले और स्क्रूज साथ में ही काम करते थे, और उसकी जेकब मार्ले की डेथ हो जाती है 7 साल पहले क्रिसमस वाले दिन। और आज भी क्रिसमस है और पूरी दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है सिवाय स्क्रूज के। तो क्या होता है कि स्क्रूज, जब से जेकब मार्ले की डेथ हो जाती है, तो स्क्रूज अकेले रहने लगता है और अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। और क्या करता है कि अपने आप को गर्म रखने के लिए वो ढेर सारे कोयले लाता है और रखता है, और उसको जलाता है, उसके सामने बैठता है ताकि वो गर्म रहे, उसको सर्दी ना लगे। तो उनका सर्वेंट होता है, सर्वेंट का नाम बॉब होता है, उसको बाहर ही रखते हैं। उसको क्या करता है, वो सर्दी में ही मारता है, उसको बाहर कर देता है रूम से, और वो बाहर ही रहता है। और उसके उसके दिल में, स्क्रूज के दिल में ज़रा सी भी दया नहीं रहती है, उसके दिल में ज़रा सी भी दया नहीं होती है। और क्या होता है, बॉब उसके पास आता है, उसके ऑफिस के उसके रूम में आता है, कैबिन में आता है, तो बोलता है कि आज सर, मुझे आज क्रिसमस का दिन है, तो मुझे अपने घर जाना है जल्दी, और मुझे अपने बेटे के लिए भी तोहफा लेना है। उसके बेटे का नाम होता है टिम टिम। तो स्क्रूज बहुत ज़ोर से चिल्ला के कह देता है कि नहीं, आज तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती है, और जितना काम दिया है वो सारा काम करो, और ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। तो उसका जो सर्वेंट होता है, वहाँ से वो चला जाता है, बहुत सैड होकर चला जाता है। फिर क्या होता है कि उसका नेफ्यू आता है, स्क्रूज का नेफ्यू आता है उसको डिनर के लिए बुलाने के लिए। वो आता है और स्क्रूज से कहता है कि आज हम लोग के घर में क्रिसमस का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, तो आप आ जाइए और हम लोग के साथ डिनर ज्वाइन करिए। तो स्क्रूज जो होता है उसको भी मना कर देता है, बहुत ज़ोर से बोल के मना कर देता है, और वहाँ से उसका जो नेफ्यू होता है चला जाता है, बहुत सैड होके चला जाता है। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद, एक दो घंटे के बाद, फिर गेट खटकता है और दो लोग आते हैं चंदा मांगने के लिए। तो जब वो अंदर आते हैं स्क्रूज से मिलने के लिए, तो वो स्क्रूज से कहते हैं कि हमें कुछ, मतलब पैसे दे दीजिए, या आप कुछ डोनेट कर दीजिए कुछ गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ दें ताकि हम लोग उस गरीब बच्चों को डोनेट कर सकें, आप कुछ दें ताकि हम लोग उन गरीब बच्चों को डोनेट करें। तो क्या होता है, स्क्रूज बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और उन दोनों को ज़ोर से बोलता है, तुम लोग चंदा मांगने के अलावा तुम लोग कमा भी सकते हो, तो जाओ और कमाओ, और फिर जो करना है करो, पर मेरे से मत मांगो, जाओ यहाँ से। और वो भगा देता है दोनों को। तो वो जो दो चंदा मांगने वाले आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो भी अपसेट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, शाम हो जाती है और ऑफिस बंद करने का टाइम आता है, तो वो स्क्रूज उसको लॉक करके वहाँ से निकलता है। रास्ते में जाते जाते उसको एक मिरर में उसके जो उसका फ्रेंड था जेकब मार्ले दिखता है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मतलब ये क्या दिखा। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और फिर उसको लगता है अरे हो सकता है कि आज क्रिसमस का दिन है, तो हो सकता है मेरे माइंड में वो हो, तो मुझे ऐसे ही उसकी परछाई दिख गई हो। तो वो अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, रिलैक्स होता है और फिर एक सोफे में बैठता है और नाइट सूट पहनता है, नाइट सूट पहनकर और सर में टोपी पहनता है और हाथ में कॉफ़ी का कप लेके जैसे सोफे में बैठता है, तो क्या होता है कि उसकी फ्रेंड की पूरी आत्मा आ जाती है, जेकब मार्ले की पूरी आत्मा आ जाती है। तो स्क्रूज जो होता है बहुत जल्दी घबरा जाता है कि अरे ये क्या हो गया, और बहुत ज़्यादा डर जाता है उस टाइम। जब स्क्रूज के सामने जेकब मार्ले की स्पिरिट आती है, आत्मा आती है, तो वो जेकब मार्ले पूरे जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। जब स्क्रूज के सामने जेकब मार्ले की स्पिरिट आती है, तो जेकब मार्ले पूरा जंजीरों से बंधा हुआ होता है,
और जेकब मार्ले बोलता है स्क्रूज से कि जितने भी मैंने पाप किए थे, जितने भी मैंने गलत काम किए थे, और इसकी सज़ा मुझे मिली है कि इस जंजीरों के साथ मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, और मैं तुम्हें सजेस्ट करने आया हूँ, बताने आया हूँ कि मेरे दोस्त कि मेरे तरह ऐसे पाप मत करना, मेरे तरह ऐसे पाप मत करना कि तुम्हें भी इस तरह से सज़ा मिले। और क्या होता है कि जेकब मार्ले की स्पिरिट स्क्रूज से बताने लगी जाते जाते कि तुम्हारे पास अभी 3 स्पिरिट्स और आएंगी और वो तुम्हारा फ्यूचर बताएंगी आकर कि तुमको अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे फ्यूचर अच्छा करने के लिए वो 3 स्पिरिट आज रात तुम्हारे घर में आएंगी। और जेकब मार्ले वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर स्क्रूज सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और वो अपने बिस्तर में लेटता है और घड़ी की तरफ देखता रहता है, और फिर क्या होता है, उसकी आँख लग जाती है। जब स्क्रूज की आँख लग जाती है तो क्या होता है कि एक स्पिरिट और आती है, तो वो एकदम से उठता है और देखता है उस स्पिरिट को। स्पिरिट का नाम होता है गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। फिर क्या होता है, वो स्पिरिट उसको ले जाती है उसके पास्ट में, और उसके पास्ट में लेके जाती है तो वो क्या दिखाती है उसके पास्ट में, उसके स्कूल का, उसके पास्ट में लेके जाती है उसके स्कूल का पूरा पास्ट दिखाती है कि कैसे वो बचपन में खेलता था अपनी बहनों के साथ, और कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था, कैसे स्टडी करता था, और वो देखता था मिस्टर स्क्रूज वो देख रहा था। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक और जगह वो लेके जाती है स्पिरिट, और वो जब वो मिस्टर स्क्रूज देखता है तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो लेके जाती है स्पिरिट, पास्ट वाली जो स्पिरिट लेके जाती है, वो लेके जाती है जब स्क्रूज यंग था, जब टीनेजर था, तो वो उसकी वाइफ थी बेला जिसका नाम था, उसके साथ डांस कर रहा है, और डांस कर रहा है, एक अच्छी ज़िंदगी दिखाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उन लोग लड़ रहे हैं आपस में, उन दोनों की लड़ाई हो रही है, जिसमें जो मिस्टर स्क्रूज की वाइफ थी वो लड़ के कह रही है मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम लालची इंसान हो। उसने कहा, बेला ने कहा उसकी वाइफ ने कि मेरे लिए तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, तुम्हें जब देखो तुम्हें पैसे की पड़ी रहती है। और तभी बेला चली जाती है, उसकी वाइफ चली जाती है, तो मिस्टर स्क्रूज बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। और फिर वो जो स्पिरिट होती है, गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट की जो स्पिरिट होती है, वो उसको वापस ले आती है। फिर उसके बाद जब स्क्रू अपने वापस आता है, फिर एक और स्पिरिट आती है जिसका नाम होता है गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। अब वो स्पिरिट क्या होता है, वो जो स्पिरिट होती है वो मिस्टर स्क्रूज को बॉब के घर में लेके जाती है। बॉब जो उसका सर्वेंट था उसके घर में लेके जाती है। तो वहाँ वो देखता है कि सब लोग टेबल में बैठे हुए हैं और क्रिसमस बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो बॉब जो सर्वेंट था उसका बेटा टिम बैठा हुआ है, और वो व्हील चेयर में बैठा हुआ है, और वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। और मतलब वो जो गोस्ट दिखाता है, गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट दिखाता है कि इन लोग कितने गरीब होकर भी क्रिसमस कितनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर देखता है मिस्टर क्रूज देखता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका जो नेफ्यू होता है, नेफ्यू फ्रेड के भी वो घर में लेके जाती है वो स्पिरिट। तो वो क्या देखता है कि उसका जो नेफ्यू फ्रेड है वहाँ पे भी टेबल लगी हुई है और सब लोग अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मिस्टर क्रूज की एक चेयर खाली पड़ी हुई है जो मिस्टर क्रूज ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो वो खाली पड़ी हुई है। और मिस्टर क्रूज देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। फिर उसके बाद वो स्पिरिट फिर उनको वापस ले आती है। फिर जब वो वापस ले आती है, मिस्टर क्रूज खड़े होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरी स्पिरिट आती है। तीसरी स्पिरिट का नाम होता है गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, जो उसके फ्यूचर के बारे में मतलब बताती है और फ्यूचर के बारे में लेके जाती है। जब वो स्पिरिट लेके जाती है तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर क्रूज का फ्यूनरल चल रहा है। मिस्टर क्रूज का क्या होता है कि डेथ हो गई है, और
एक तरफ स्क्रूज की कब्र पड़ी है और दूसरी तरफ टिनिम टिम की कब्र पड़ी है, जो बॉब जो उसका सर्वेंट था उसकी उसके बगल में कब्र है। तो लोग क्या होता है कि जो लोग होते हैं, ऑफिस के लोग होते हैं, टाउन के लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो टिनिम टिम के लिए रो रहे होते हैं, वो मिस्टर क्रूज के लिए नहीं रो रहे होते हैं, उनके लिए नहीं रो रहे होते हैं। वो तो बोलते हैं कि ये बड़ा खड़ूस आदमी था और अच्छा हुआ चला गया और इतना मतलब ही था, एटीट्यूड वाला था। पर टिनिम टिम के लिए बहुत लोग रोते हैं और उसको रोज़ देते हैं, उसको बड़ा अफसोस होता है टिनिम टिम के लिए, बट मिस्टर क्रूज के लिए कोई नहीं रोता। तो जब मिस्टर क्रूज ये सब देखते हैं तो वो फ्यूचर जो गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, जो फ्यूचर का गोस्ट होता है, उससे प्रॉमिस करता है कि अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान बन के दिखाऊँगा। तो क्या होता है जब मिस्टर क्रूज वहाँ से वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि अभी भी क्रिसमस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रिसमस की रात है, अभी भी देर नहीं हुई है। तो क्या होता है, मिस्टर क्रूज जो होते हैं फटाफट तैयार होते, सूट पहनते हैं, तैयार होके फिर वो जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं जो उसका नेफ्यू जो उनको इनविटेशन देके गया था उसको, उसके घर जाते हैं, फ्रेड के घर में जाते हैं, वहाँ पे डिनर करते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं बॉब, जो बॉब उसका सर्वेंट था, उसके घर में जाते हैं, टिनम टिम को वो गिफ्ट्स देते हैं और अपने सर्वेंट से कहते हैं मैं आज से इसका पूरा खर्चा मैं उठाऊँगा, इसके इलाज का खर्चा मैं उठाऊँगा। और वो जो दो इंसान, दो जो चंदा मांगने आए थे, उनको भी उन्होंने पैसे डोनेट किए गरीब बच्चों के लिए, और उन्होंने भी गरीब बच्चों के लिए तोहफे खरीदे और बांटे। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।